गुम है किसी के प्यार के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं उषा मौसी और विनायक का आमना सामना होगा, जहां पर उषा मौसी के सामने विनायक पाखी को लेकर बहुत सारी बातें करेगा और सई विराट सभी को लेकर अपनी नाराजगी दिखाएगा। पयूषा मौसी के सामने विनायक कहेगा कि उसकी माँ पाखी उससे करती थी सबसे ज्यादा प्यार और पाखी के चले जाने के बाद से अब उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं बचा। पाखी के चले जाने के बाद उसके आई बाबा भी चले गए, डॉक्टर आंटी भी चली गई और उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। उषा मौसी विनायक की ये सारी बातें चुपचाप सुनेंगी, लेकिन उसके बाद उषा मौसी विनायक के दिमाग से गलतफहमी दूर करने की कोशिश भी करेंगे। शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे उषा मौसी विनायक को समझाएंगी कि पाखी सई विराट की वजह से किसी को छोड़कर नहीं गई, बल्कि पाखी चवान निवास से गई थी अपने खुद की वजह से। और तो और यहाँ पर उषा मौसी विनायक को ये भी कहेंगी, सई और विराट तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन पाखी इस दुनिया से चली गई है इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तुम्हारी माँ पाखी जिंदा भी हो सकती है। तुम्हारी माँ पाखी अगर तुमसे प्यार करती होती तो लौट कर तुम्हारे पास जरूर आती, लेकिन पाखी के दिल में तुम्हारे लिए प्यार से ज्यादा सई और विराट के लिए नफरत थी, इसलिए वो दोबारा लौट कर भी नहीं आई। अब विनायक पर उषा मौसी की बातों का कोई असर पड़ता है या नहीं, आगे आने वाले एपिसोड में देखना होगा।